रमेश, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। ये छोटी बात नहीं है सतीश, और अगर है भी तो मेरा इससे परेशान होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती। रमेश, ये लड़ाई झगड़े, ये मारपीट, वो हमारी कंपनी का अच्छा वर्कर है, इसीलिए मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, वरना उसे कब का नौकरी से निकाल दिया होता। रमेश देखो, पहली गलती है उसकी, छोड़ो, माफ करो। वो तो मैं कर ही चुका हूँ। एक बात गांठ बांध लूँ, अगर हम ऐसे ही सब पे एहसान करते रहे ना तो हमारी कंपनी का कोई भविष्य नहीं रहेगा। और जहाँ तक मानव का सवाल है तो मैं उसकी लगन, उसका डेडिकेशन, खासकर उसके और अर्चना के रिश्ते को देख कर चुप हूँ। लेकिन मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो उनका बीता हुआ कल हमारे आज पर हावी हो जाए। और अगर ऐसा हुआ ना सतीश, तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। सतीश, हमने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेले। तूने श्रावणी से बात की? नहीं। मैं तुझसे कहा था ना आज बात कर लेने के लिए। देख, मैं सुबह से सोच रही हूँ, बताए तो कैसे बताए। उसको इस तरह बताना होगा कि श्रावणी उसका गलत मतलब ना निकाले। भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सच्चाई उसे बतानी है। अच्छा होता श्रावणी को अर्चना के बारे में। फिर अर्चना? एक साल पहले अर्चना इस घर से चली गई, लेकिन इस एक साल में एक ऐसा दिन भी नहीं गुजरा जिस दिन उसका जिक्र ना हुआ हो। कभी आई कुछ कहती, कभी आप, और बाबा तो वो तो इसी इंतजार में है कि बस किसी दिन अर्चना इस घर में वापस आ जाए। श्रावणी, देखो मैं, मानो आपको पता है ना, मुझे अर्चना के नाम से प्रॉब्लम है, तकलीफ होती है मुझे, लगता है कि जैसे वो फिर यहाँ आकर मुझसे मेरा हक छीन लेगी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज अर्चना का नाम इस घर में दोबारा मत लीजिएगा। तूने जो अभी बात की थी वो मुझे मंजूर नहीं है, घर के किसी भी इंसान को मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों आई, ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? गलत ही तो है श्रावणी, तू अर्चना को सही ढंग से जानती है, उसने इस घर के लिए क्या क्या किया है, उसकी यादें हमसे जुड़ी हुई है, उसके नाम का जिक्र यहाँ होगा, हमेशा होता रहेगा, ध्यान में रख। अर्चना से ना तुझे कभी डर था न डर होगा। अगर उसके ना होते हुए भी तुझे डर लग रहा है, श्रावणी बेटा, इसका मतलब तुझ में खोट है। बेटी, एक बात पूछो तुझसे, आगे क्या करने का सोचा है बेटी तुमने? आप लोगों के साथ रहूंगी और आप दोनों का ख्याल रखूंगी, बस यही सोचा है। बेटी, जिंदगी में किसी का साथ होना तो यही जिंदगी आसान हो जाती है बेटा। बाबा, मेरे पास मेरी यादों का सहारा है, और मैं नहीं चाहती मैं किसी और का सहारा लेकर मेरी यादों के साथ बेईमानी करूं। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहती हूं। श्रावणी, पापा के घर जा रही हो? जी। अच्छा, मानव तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो मानव का झगड़ा हुआ ना किसी फैक्ट्री वर्कर के साथ, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, इसीलिए पूछा। और लोगों से सुना है कि मानव की बॉस एक औरत है, कहीं उसका और मानव का कुछ? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, और ना ही मुझे इस बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है। मुझे मानव पर पूरा भरोसा है, वो जो करेंगे सही करेंगे। चलो,